इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जाने माने स्वर शास्त्री डॉक्टर नारायणाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। नमो नारायण जी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है युवाओं से जुड़ा हुआ। जी हाँ, अगर आपके घर में भी युवा बच्चे हैं और वो अपने रास्ते से भटक चुके हैं तो उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए, इन सभी बारे में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अगर कोई भी युवा बच्चे हैं जी, वो अपनी रास्ते से भटक चुके हैं तो क्या कुछ उपाय है आज के लिए? नमो नारायण जी। मित्रों, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बात कर रहे हैं नारायण जी आज उन बच्चों की। अगर वो बच्चे जो युवा हो रहे हैं अभी अभी, जिनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं अभी अभी, 15 साल की उम्र है, 14 साल की उम्र है और 16-17 साल की जो उम्र है, ये वाली जो एज है, आप भी इस एज से निकल के गए होंगे, आपको भी पता है इस समय में मन में बड़ा भटकाव आता है, ठहराव नहीं होता और नई नई जानकारी नई नई चीज़ें सीखने के लिए इच्छा कहीं ना कहीं बढ़ती रहती है। तो जब दूसरी चीज़ों के लिए इच्छाएं बढ़ती हैं तो गलत कामों के लिए भी कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक विचार आ जाता है, एक गलत विचार भी आ जाता है कि दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, इश्क। और आप देख रहे होंगे कि आजकल जो ये व्हाट्सअप चला है, फेसबुक है और जो सोशल मीडिया है, इसके थ्रू बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे। बच्चे तो खैर किसी भी घर के बुरे नहीं होते, पर संस्कारों की बात कर रहे हैं, जहां पर बहुत अच्छे संस्कार हैं जिन फैमिलीज के, जिन परिवारों में, वहां पर भी बच्चों की शिकायत आ रही है। नारायण जी, हमारी बिटिया जो है आज 15 साल की है और वो ये कर रही है, आज हमारा बच्चा 14 साल का है जी, वो फलां फलां दोस्त के साथ में गलत रास्ते पे जा रहा है। दोस्तों, इसका मूल कारण क्या है? बच्चे की जन्म लग्न कुंडली, उस बच्चे के जो जन्म लग्न में जो शुक्र की स्थिति है वो सबसे ज्यादा भयानक हो सकती है। शुक्र यदि आपके बच्चे की जन्म लग्न कुंडली में 12वें घर में बैठे हुए हैं और शुक्र यदि नीच राशि के बैठे हुए हैं तो मान के चलिए कहीं ना कहीं बच्चे के भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, अगर शुक्र की दशा चल रही हो, शुक्र की अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो या सूक्ष्म दशा हो, और शुक्र के जो शत्रु ग्रह हैं उनके साथ यदि शुक्र की दशा चल जाए और शुक्र यदि पंचम भाव में, छठे भाव में या 12वें भाव में आ जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे का मन भटकेगा ही भटकेगा। ऐसी स्थिति में यदि बेटी आपकी जवान हो रही है, युवा बेटी है, तो गलती से भी उनको ऐसी दशा में पहाड़ी यात्रा मत कराएं, या जंगल में, सुनसान में जो टूर जाते हैं बच्चों के, स्कूल के टूर जाते हैं या फ्रेंड्स के जो टूर जाते हैं, ऐसे टूर्स में बच्चों को गलती से भी ना भेजें। अगर ऐसी स्थिति में बच्चा जाता है तो कहीं ना कहीं गलतियां करेगा और उन गलतियों का खामियाजा परिवार को, माता पिता को, रिश्तेदारों को तक भुगतना पड़ जाता है कभी कभी। दूसरा दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन बॉयज की, उन लड़कों की जो अभी अभी जवान हो रहे हैं, उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। आपने नोट किया होगा जब बच्चा 15-16-17 साल की जो आयु रहती है, इसमें बहुत बच्चों की पिंपल्स आ जाते हैं, चेहरे में फुंसियाँ आनी शुरू हो जाती है। इसका कारण क्या है दोस्तों? सूर्य और चंद्रमा कुंडली में नेगेटिव प्ले कर रहे होते हैं, और जब सूर्य और चंद्रमा जब दोनों नेगेटिव रोल प्ले करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे में हल्की हल्की पिंपल्स, फुंसियाँ जिसको आप बोलते हैं, पिंपल्स बोलते हैं, हल्की हल्की चीज़ें आपके आनी शुरू हो जाती है। वो ऐसा नहीं कि आप युवा हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस एज के आसपास कहीं ना कहीं इन दो ग्रहों की वजह से होता है। और ऐसी स्थिति जब आती है तो आपने सूर्य का और चंद्रमा का जरूर दान पुण्य कर लेना चाहिए। इसके बाद मैं कर रहा हूं, बात करूंगा उन लड़कियों की, उन बच्चों की जो अभी अभी युवा हो रही है, जिनको अभी अभी ऐसे लगता है कि जी मेरा तो नारायण जी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे परिवार आते हैं, नारायण जी बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, बिटिया पढ़ना चाहती है, लेकिन फिर भी माइंड उसका डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। एक तो ये एज ऐसी है, क्योंकि इस एज में हार्मोन्स सबसे ज़्यादा फास्ट तेज होते हैं, और जब हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं तो आपके सारे ग्रह बड़े अपने आप में कहीं ना कहीं विशेष रोल प्ले करते हैं। तो आपको एक तो शुक्र की स्थिति पे ध्यान रखना है, दूसरा सूर्य चंद्रमा पे ध्यान रखना है, और इन ग्रहों का आपने कुंडली दिखा करके या जन्म लग्न कुंडली बनवाकर, अच्छे विद्वान ब्राह्मण से कुंडली बनवा करके पूरी बच्चे की स्टोरी देखो कि बच्चे की जन्म लग्न कुंडली में 14 साल से लेकर के 18-19 साल की एज तक जो है कौन से ग्रह चलेंगे। अगर 14 से 19 के बीच में कहीं भी शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा आ रही है
और वो दशा यदि पाप ग्रहों से पीड़ित है तो मान के चलो बच्चे के भटकने के 90% चांसेस हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपने शुक्र का उपाय करना है और घर के अंदर हनुमान चालीसा नित्य नियम से बनाना शुरू कर दो। हनुमान चालीसा आपके घर में रोजाना सुबह शाम रोजाना पढ़ना ही पढ़ना है और बच्चों को पढ़वाना है। बच्चे ना पढ़े तो उनके कमरे में लगा के छोड़ दो, बच्चे सुनते रहें। दूसरा, बच्चों को आदत डालो सुबह उठ करके माता पिता के चरणों में वो झुके, उनका आशीर्वाद ले। जब बच्चा झुके आपके आशीर्वाद लेने के लिए तो आपने उस बच्चे को आशीर्वाद देना है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपको शक्ति दे, आपको कामयाबी दे और आयुष्मान भव। जो भी आपने अच्छा आशीर्वाद देना वो दीजिएगा, उससे उस बच्चे के जो स्टार हैं वो मजबूत होंगे, बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और बच्चा गलत रास्ते पर जाने से बच जाएगा, भटकने से बच जाएगा। दोस्तों तो कई बार बच्चे जब छोटे होते हैं, जब छोटे से बच्चे होते हैं तो उनका एम होता है कुछ ना कुछ कि डॉक्टर बनूंगा, ये करूंगा, लेकिन एक वक्त आ जाता है उसके बाद वो भटक जाते हैं उस रास्ते से जो भविष्य की ओर जाता है और अपने करियर को लेकर वो इतना सिक्योर नहीं रहते। तो उन बच्चों के लिए उनके माता पिता क्या क्या करें? जी, उन बच्चों के लिए सबसे पहले जब आपका बच्चा प्लस वन प्लस टू की तरफ जा रहा है या 8th स्टैंडर्ड में आ गया और बच्चे के लिए आप प्लान कर रहे हो कि बच्चा आगे करे क्या, बच्चे की पढ़ाई कौन सी करें, वो जब आप प्लस वन में या प्लस टू में जब सोचेंगे और फिर आप कंफ्यूज होंगे और फिर आप भाग दौड़ के अंदर टेंशन लेंगे और फिर जल्दबाजी में कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेंगे, आज मेडिकल दिलवाएंगे कल फिर नॉन मेडिकल में जंप करेंगे, आज नॉन मेडिकल दिलाएंगे बाद में, आप यू कांट इमेजिन, मैंने बड़े सारे बच्चे देखे हैं जो पहले नॉन मेडिकल में जा रहे हैं बाद में बोल रहे हैं हम तो MBA कर रहे हैं। अरे भैया, MBA ही करनी थी तो फिर नॉन मेडिकल की पढ़ाई में क्यों समय खराब किया? जब होटल मैनेजमेंट में जाना था तो आपने इस फील्ड को पहले वाले को क्यों चुना? कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको समय रहते पहले जन्मपत्री बनवाएं, जन्मपत्री के अंदर बच्चे की पूरी हिस्ट्री आ जाती है, पूरी डिटेल आ जाती है और उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए, ईश्वर की कृपा से रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे।